अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े ही अफसोस का मकाम है, बड़ी अफसोस की बात है कि गैर कौम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं लेकिन हम चुप हैं। नाज़रीन, हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी, नहीं तो अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मोदी सरकार से अपील की है कि अपने बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आइए मैं उस वीडियो को आपको दिखा देता हूं, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना भी इतना मनफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप रख दें। जिसके नाम का हम सदका खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बका, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप केस बुक करो। देश के प्रधानमंत्री को एक काम करना चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे यकीन है कि जिसने भी इस तरह की अनाप शनाप बका है उसको, उसका सियासी चराग उगता जाएगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी, उसको बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, शरद पवार साहब, आपको बोलना चाहिए। आपके बारे में कोई बोला तो थप्पड़ मार देंगे। उद्धव ठाकरे, आपको बोलना चाहिए, मुखालिफत करो आप मजलिस के, कोई एतराज, मगर हर चीज की एक हद होती है। किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि आप किसी भी मजहब के बारे में, उनके बड़े बड़े लोगों के बारे में आप अनाप शनाप बक दें। मुझे भी इख्तलाफ है बीजेपी से, शिवसेना से रहेगा जिंदगी भर।